अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। आज हम आपको पैंट में जेब लगाने के लिए बताएंगे बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल तरीका से। देखिए इसका मैंने चौड़ाई 5.5 इंच ले रखे हैं और इसका लंबाई हम 15 इंच ले रखे हैं। तो ये हम 15 नहीं रखेंगे बल्कि हम इसे 13 इंच ही रखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लगाइएगा। तो ये हमने पैंट को कटिंग कर रखे हैं, सेट वाला जो रहता है वो भी हमने कटिंग कर रखे हैं। तो एक एक पल्ले को पहले आप हटा दीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ से आप ऊपर की सेट देखिए दोस्तों, आप प्लास्टिक का पहले 3 इंच आप निशान लगा दीजिए। उसके बाद इसमें आप देखिए जो मेरा पैंट का हिस्सा है दोस्तों, इस कपड़े को आप देखिए, ये जो हमने जो आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो हम ले रखे हैं 5.5 इंच, उसको आपको क्या करना है कि एक मुंह को इस तरीके से खोल के और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप सिलाई यहाँ से जो हम 4 इंच ले रखे 3 इंच ले रखे उसे ऊपर छोड़ के यहाँ से हम 8 इंच पर सिलाई लगा लेंगे सीधा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सीधा इस पर हम लगा के हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हम जो आपको बताए थे कि यहाँ से आपको यहाँ से 7-8 इंच पर सिलाई सीधा लगाना है। उसका ये जो मेरा जेब वाला कपड़ा दोस्तों बच गया, उसे आप पीछे की सेट करके इस सब जबकि पीछे की सेट करके यहाँ से इस सिलाई को यहाँ से इस तरीके से पकड़ लीजिए। उसके बाद देखिए ये हमने नीचे की सेट कर दिए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से इस पर सिलाई ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको सी के बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हम आपको जिस तरीके से बताए हैं उस तरीके से हमने इस पर सिलाई कर दिए हैं, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। उसके बाद ये मेरा सीधी की सेट हो गया। उसके बाद हम एक जो और पल्ला जो बचा है उसको क्या करेंगे, ये जेब वाले को एक सेट मेरा जेब का तो ये मुंह ज्वाइंट हो गया दोस्तों, अब देख सकते हैं दूसरी सेट जो मेरा बचा हुआ है उसको भी हमने जैसे सेम सीधा लगाए हैं। तो यहाँ से हम इसे हम नाप लेंगे कि कितना इंच, तो 3 इंच मेरा यहाँ पे छुटा हुआ था इसे हम छोड़ रखे थे। तो यहाँ से फिर हम 8 इंच पर इसे हम फिर सीधी सिलाई दोस्तों लगा लेंगे, देखिए दूसरी वाली पल्ला में। उसका देख सकते दोस्तों 8 इंच यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा रखे हैं। उसके बाद हमने आपको दिखलाए थे कि यहाँ पर भी इस तरीके से हमने लगा दिए हैं। उसके बाद क्या करिएगा दोस्तों, ये जो मेरा यहाँ पर का जो कपड़ा है इसे आप इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे हम जो 3 इंच छोड़ रखे हैं उस पर हमको यहाँ पे इसे फोल्ड करके उसके बाद हमको यहाँ पे सिलाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हम सिलाई इस तरीके से यहाँ इस पर उसके इसके ऊपर कपड़े को रख के सिलाई कर देंगे। उसके बाद ये जेब का हम पोजीशन को छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे हमने सिलाई कर देंगे तो ये मेरा जेब का ये देखिए ये मेरा आ गया। चलिए तो हम आपको यहाँ पे जैसे हम आपको बता रहे कि यहाँ से यहाँ तक हमको सिलाई करना है। उसके बाद हम आपको तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे सिलाई कर दिए हैं, आप लोग को भी दिख रहा होगा। तो ये मेरा देखिए ये हमने सिलाई कर दी। उसके बाद क्या करिएगा दोस्तों, ये जो हम ऊपर से जो हम सिलाई दे रखे हैं उसको और नीचे वाले पल्ले को आपको इस तरीके से पकड़ के दोनों को खींच के देखिए
दोनों को खींच के उसके बाद इसे आप इस तरीके से उल्टा कर लीजिएगा और नीचे वाले को आप दबा के पकड़े रहिएगा। उसके बाद दोनों को यहाँ से पकड़ के आपको इस पर सिलाई कर देना है, पूरे लंबी सी पूरी जहाँ तक है उस पर आपको सिलाई कर देना। तो चलिए हम आपको करके बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, जेब मेरा ये खुला हुआ है। अब जेब को किस तरीके से सीना है, यहाँ पे हमने जो सिलाई कर रखे हैं उसे आप ऐसे खींच के दोनों को पकड़ के सबसे पहले आप अपने जेब को सिलाई कर लें। उसके बाद उससे आपको आसानी होगा वो लंबी सिलाई देने में। तो देखिए हमने इसको इस तरीके से पकड़ के देखिए यहाँ से घुमा के हम सिलाई इस पर दे के जेब को बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये जेब को सिलाई कर दिए हैं। आप लोग भी देख सकते हैं कि जेब को हमने सी दिए हैं। देखिए ये हम जेब को सी दिए हैं। उसके बाद हम आपको पहले बताए थे कि ये ऊपर वाले हिस्से को यहाँ से जो आप सी रखी है उसे यहाँ से दोनों को ऐसे पकड़ के अच्छे से इसके सेब मिला के इसको यहाँ पे इस तरीके से करके आप कपड़े को उल्टा कर लीजिए। कपड़े को इस तरीके से उल्टा करके उसके बाद आप पूरे पर सिलाई लंबी जैसे आप लोग पैट में सीते हैं पूरी सिलाई देते हैं साइडों में। बस जेब को यहाँ पे जेब वाला जो है इसको आप दिल चाहे तो छोड़ दे, वरना इसमें अटैच कर दे। तो आप लोग को जैसा अच्छा लगे वैसा अटैच भी कर सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं। तो इसे आप सिलाई करके उसके बाद देखिए ये मेरा जेब बन के हो गया रेडी दोस्तों। अब ये मेरा सिर्फ यहाँ पे सिलाई देंगे उसके बाद हो गया। देखिए तो ये मेरा जेब हो गया। आप लोग दोस्तों इसी तरीका से जेब लगा सकते हैं। तो चलिए, मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। अगर आप लोग को जेब लगाने में समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है दोस्तों, वीडियो पूरा देखा करें तो आपको समझ में आ जाएगा। और चलिए, जो भी बात होगा पूछने में दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जिस तरीके से आप पैंट पूरा मुकम्मल सीते हैं उसी तरीका से दोस्तों आप सी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।